हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं फिर नए टॉपिक के साथ आया हूं, प्रॉफिट एंड लॉस लेकर। आज मैं पार्ट 11 लेकर आया हूं, ठीक है। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर अब बी रुपये में ए वस्तुएँ बेची जाएँ, इसके आधारित पर जितने क्वेश्चन बनते हैं आज मैं वो डिस्कस करूँगा आप लोगों के सामने। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से उसको हम समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि अगर आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक अगर वीडियोज़ मेरी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर वहां से उन सारे वीडियोज़ को देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का सवाल स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका यह रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया, बताइए कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। रीता ने 10 रुपये में 10 रुपये में क्या किया, उन्होंने 15 टॉयज जिसे खिलौने बोलते हैं, 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदा, खरीदा का मतलब सीपी किया, ठीक है। फिर उन्होंने 15 रुपये में अब 10 खिलौने को बेच दिया, एसपी किया, ठीक है। सवाल में बस इतना आपको पूछेगा और इसमें लास्ट में पूछेगा आपको कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई, ठीक है। तो दोस्तों, पार्ट 10 में मैं एक फार्मूला का डिस्कस किया था, वही फार्मूला है, बस थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है। अब फिर इसके बाद उस फार्मूला पे इस सवाल को अगर लगाते हैं आप तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए उसे देखते हैं फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपको लिखना है कि क्रय वस्तुओं की संख्या क्रय वस्तुओं की संख्या लिखने के बाद उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या लिखने के बाद इसका भी स्क्वायर कर देना है, ठीक। बटे में आपको वही चीज लिखना है, विक्रय वस्तुओं की संख्या, ठीक। और यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे 100 से गुणा कर देना है, मतलब क्रय वस्तुओं की संख्या मतलब आपका सीपी माइनस एसपी वस्तुओं की संख्या बटे एसपी वस्तुओं की संख्या। तो सीपी लिख रहे हैं तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, एसपी का 20 स्क्वायर और नीचे 20 का स्क्वायर होगा, गुणे में 100। यह फार्मूला आपको लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस फार्मूला पर मैं इस सवाल को हल करता हूँ। सीपी मतलब क्रय वस्तुओं की संख्या, तो रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने को खरीद कर, तो खरीदने का मतलब क्या होता है आपका सीपी, तो खरीदने की संख्या कितनी होगी 15, तो हम सीपी की जगह क्या लिखेंगे 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस एसपी, 10 खिलौने बेच दिया, तो बेचने का मतलब क्या होता है आपका एसपी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस की संख्या कितनी है 10, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10 का स्क्वायर बटे में एसपी की संख्या मतलब 10 का स्क्वायर गुड़े 100। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 100 बटे में 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुड़े 100, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हल कर देता हूँ इसको, तो 225 में से 100 घटाएंगे तो आपका बचेगा 125 बटे में 100 और गुड़े 100, यहाँ से मैं 100 से 100 कैंसिल कर दूंगा तो आपका बचा 125, ठीक है, इतना प्रतिशत, ठीक। और एक चीज़ और बात है कि अगर मेरा आंसर प्लस में आता है, आंसर प्लस में आता है तो आप लोग जानते हैं कि लाभ होता है, और आंसर माइनस में आएगा तो हानि होता है, ठीक। तो मेरा जो इसमें आंसर आया है वो प्लस में आया है, तो प्लस 125, तो 125 प्रतिशत का क्या हुआ यहाँ पे इसको लाभ हुआ, ठीक। तो अब उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे क्लियरली। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अंतिमा ने कुछ कल में 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो कुछ कल में 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर, खरीदना क्या कहते हैं सीपी, तो यहाँ पे सीपी बराबर क्या गया 10, और उन्हें 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया, बेचने का मतलब क्या होता है एसपी, एसपी बराबर आ गया आपका 8, ठीक है। फार्मूला में क्या होता है कि सी पी स्क्वायर माइनस एस पी स्क्वायर बटे में एस पी स्क्वायर गुड़े 100, ठीक है। तो यहाँ पे एस पी आपका 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस सॉरी सी पी 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस, और एस पी है तो एस पी 8 है, तो यहाँ पे मैं 8 का स्क्वायर कर दूंगा बटे में एस पी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर गुड़े
सौ, दस के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, आठ के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 64, बटे में आठ का फिर स्क्वायर करेंगे 64 गुणे सौ, ठीक है। यहाँ में से 100 में से यहाँ पे 64 घटाऊंगा तो यहाँ बचेगा आपका 6 और यहाँ पे 3, 36, ठीक है, गुणे 100 बटे में 64। चलिए इसे कटाते हैं, पहले 2 से कटा लेंगे तो 18 बार में 2 से कटाएंगे तो ये 32 बार में कट जाएगा, फिर कटाते हैं 2 से तो 9 बार में कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 16 बार में, 4 से कटाएंगे तो 4 चौके 16, इसे कटाएंगे तो 25 बार में कट गया, ऊपर बचा आपका 9 गुड़े 25 बटे में 4, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं किसी से तो आप गुड़ा कर देंगे तो 9 पचे 45 को 5 हासिल लगा 4, 9 दुनिया 18 4 22 तो 225 बटे 4। अब यहाँ पे 225 में 4 का भाग देना है तो भाग देंगे तो 4 पाँचे 20, यहाँ पे 2 बचा फिर 25 आ गया, फिर 4 पाँचे 20, 4 छः के 24, 6 बार जाएगा, 1 बचा तो 1 ऊपर लिख देंगे नीचे 4, मतलब क्या आ गया यहाँ से कि 56 सही 1/4% प्रतिशत, आंसर किस में आया मेरा प्लस में, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे लाभ होगा, मतलब उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ तो उसे 56 से 1/4% का क्या हुआ लाभ हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, और क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है पूजा 500 कापियाँ 20 रुपये में 15 के भाव से खरीदी, 15 के भाव से खरीदी, खरीदने का मतलब सीपी, सीपी कितना गया 15। सवाल पढ़ते रहिए और लिखते भी चलिए साथ में, और उन्हें 15 रुपये में 20 के भाव से बेची, बेची मतलब एसपी, एसपी बराबर कितने कापियाँ 20, ठीक है, मुझे बस एसपी चाहिए और सीपी चाहिए, एसपी सीपी हो जाएगा फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या होता है कि सीपी का स्क्वायर होता है माइनस एसपी का स्क्वायर होता है बटे में फिर एसपी का स्क्वायर होता है और गुणे 100 होता है, यह फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, सीपी स्क्वायर 15 के स्क्वायर माइनस एसपी स्क्वायर 20 के स्क्वायर बटे में नीचे भी वही रहेगा 20 के स्क्वायर गुणे 100, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 20 के स्क्वायर कितना होता है 400 बटे में 20 के स्क्वायर 400 गुणे 100। अब मैटर यहाँ फंस गया कि 200 माइनस 400, किसी संख्या के कुछ नहीं रहता, साइन किसका हो जाता है प्लस का, प्लस माइनस आ जाएगा तो हमेशा माइनस होता है, तो आप क्या करेंगे 400 में से 225 को घटाएंगे, यहाँ 5 बचा यहाँ 9 तो यहाँ 7 हो गया और यहाँ पे 3 तो 1 तो कितना आ जाएगा 175, 175 घटा लिए आप, लेकिन रह गई बात साइन लगाने की चिन्ह लगाने की, तो बड़े वाला का साइन लगता है तो 400 क्या कौन सा चिन्ह है माइनस का, माइनस लगाएंगे माइनस 175 बटे में 400 गुणे 100, ठीक है, यहाँ 20 से 20 कैंसिल, आपका बचा माइनस 175 बटे 4। अब आपको करना क्या है यहाँ पे कि 175 में 4 का भाग देना है, सिर्फ 175 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, 1 और 5 15 बच गया, 4 तिहाई 12 और यहाँ पे 3, तो आपका आंसर जो आएगा 43 सही 3/4% और माइनस का चीन है तो यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे, अब तब माइनस लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि हानि हो गई, इसे कितने परसेंट की हानि हुई तो 43 सही 3/4% की उसे क्या हुई हानि हुई इस पूरे सौदे में उसे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आज के लिए बस इतना रखता हूँ, इस टॉपिक में बस 3 सवाल बहुत हैं समझने के लिए आप लोग को, तो आपको सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण बात है इस फार्मूला को याद रखना, यह फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम में हिट कर सकते हैं, तो आज के लिए बस मैं इतना रखता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।